जी गाइस समझ में आ गया? आ गया होगा, आसान सी चीज है, कौन बताएगा? जी आवाज आ रही है सबको? जी समझ में आया किसी है? कॉन्सेप्ट है? शाबाश। जी कौन एक्सप्लेन करेगा? बिल्कुल सही, ठीक है। और भी कोई अपनी वर्डिंग में आंसर देना चाहे तो दे दे शाबाश, जल्दी से। कोई भी अपनी वर्डिंग में आंसर देना चाहे तो दे दे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, क्या बाकी लोग क्लास में मौजूद नहीं है? मैं शायद कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों ने आंसर नहीं करना तो भी बता दीजिए कि आप लोगों को आंसर नहीं करना, तो आखिर में मैं क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स दूंगा ना, तो जब ये जो आंसर नहीं आ रहे हैं फिर तो आप लोग कहेंगे कि हमको आंसर करते थे। ये सिंपल सी जो बात लिखी हुई है सामने, ये आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई ये बता दीजिए। सिंपल सी जो बात लिखी हुई है विद प्रॉपर एग्जाम्पल, कि कितने लोगों की समझ में आई है और कितने लोगों की समझ में नहीं है, और सिंपल सी बात बता दें। ठीक है, बाकी लोग जो समझ में आई है ना वो अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग पहली क्लास में बैठे हैं या आपको स्लाइड पढ़ के समझ में नहीं आ सकता कुछ, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल सी बात लिखी हुई है ब्रेक से पहले, मतलब क्लास से पहले बता के गया आपको,
कि अभी स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, उसका रीजन भी लिखा हुआ है। अगर ये भी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब जो भी आपकी समझ में आए वो तो कम से कम एक्सप्लेन करें। मैं आपसे पिछले 5 मिनट से पूछे जा रहा हूँ, सबसे कोई मुझे आंसर ही नहीं कर रहा। नहीं है आंसर, नहीं है, कोई और आंसर करें। इसमें जो लिखा हुआ है वो समझ के बता देना आप, ये लाइन पढ़ लें और उसके बाद एग्जाम्पल देख लें। जिस वेरिएबल की रिमेनिंग वैल्यू स्मॉल हो, नहीं ये कुछ और लिखा हुआ है। आपने वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन करनी है कि जिसको असाइन करने से बाकी लोगों में कम ऑप्शन निकले। मतलब आपने एक वेरिएबल को फर्स्ट करें, आपने इस वेरिएबल को चूज किया, इस वेरिएबल को आप वो वैल्यू असाइन करेंगे जिससे बाकी लोगों को कम से कम फर्क पड़े, बाकी लोगों को कम से कम फर्क पड़े। अब इस बात को गौर से देखिएगा, हम यहाँ तक पहुंच गए क्वेश्चन में। अब हम यहाँ इसको रेड कलर असाइन कर सकते हैं या ब्लू कर सकते हैं, या तो हम रेड कलर असाइन कर सकते हैं या ब्लू कर सकते हैं। अगर हम ब्लू कलर असाइन कर देते हैं तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मतलब जीरो ऑप्शन। और अगर हम इसको रेड कलर असाइन कर देते हैं तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऑप्शन बचेगा। हमें वो वैल्यू असाइन करनी है जिससे बाकी लोगों को कम से कम फर्क पड़े। कम से कम फर्क पड़ने का मतलब क्या है, द वन दैट रूल्स आउट द फ्यूज़ वैल्यूज इन द रिमेनिंग वेरिएबल, कम से कम वैल्यूज को निकाले वो बाकी लोगों में से। इज इट क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बाकी लोग भी देखिए इसको साबर, 2 मिनट और दे रहा हूं, आप लोग इसको देखेंगे सब लोग। अब अगर ये समझ में आया है तो मैं एक चीज आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, मुझे बताइएगा। शाबाश, मुझे इसका आंसर चाहिए सबसे। एल्गोरिथम ये थोड़ी देर का स्टक हो जाएगा, उसको तो कोई लॉजिक बताओगे आप। ओके जाबाश, मुझे बताइए इस सवाल का जवाब। आपके पास 4 कलर है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, और आपके पास 6 स्टेट है, ABCDEF। आपके पास अभी 3 कलर हो चुके हैं ए और बी और सी को। अब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं EDF। आपका पहला सवाल ये है कि विच कंट्री शुड बी कलर नेक्स्ट, किसको हमें नेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहिए। अभी आपने जो 3 चीजें पढ़ी हैं उनके ब्याज पे आपने ये बताना है कि आप किस वेरिएबल को चूज करना चाहिए। सब लोग आंसर करेंगे, हमजा कह रहे हैं एफ वाला करेंगे, बाकी लोग जल्दी से आंसर करें, जल्दी से, या आप अभी पढ़ चुके हैं ब्रेक से पहले। डी डी, जल्दी से आंसर करें, सबका आंसर चाहिए मुझे। सदुल्ला कह रहे हैं ई, ये 3 लोग कह रहे हैं डी। सबका आंसर चाहिए जो क्लास में 19 लोग मौजूद है, 18 लोग ई एफ। बाकी लोग जो क्लास में मौजूद हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जिसके पास सबसे कम ऑप्शन हो। इस वक्त सबसे कम ऑप्शन किसके पास है, ई के पास, तो ई को सिलेक्ट करेंगे। आप लोग ये डी एफ क्यों कह रहे हैं, जो ज्यादा कनेक्ट हो, कनेक्ट अलग बात थी। ये देखें, इधर देखें, आप जो आंसर कर रहे हैं डी को भी समझा देता हूं। डी कनेक्ट है इस वक्त सिर्फ 2 लोगों के साथ, ई भी कनेक्ट है 2 लोगों के साथ, और एफ भी कनेक्ट है रिमेनिंग 2 के साथ।
इसका मतलब इसके ब्याज पे तो आप डिसीजन ले नहीं सकते। यहाँ पर आपने देखना है इस वक्त कि मिनिमम वैल्यूज किसके पास है, मिनिमम वैल्यूज किसके पास है इस वक्त, ई के पास, सही है। तो हमने ई चूज कर लिया। मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट कलर शुड वी पिक फॉर इट। अब आपने बताना है वैल्यू कौन सी, जो भी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा रहा था, कौन सा कलर इसको देना चाहिए, रेड या येलो, लॉजिक से बताइएगा प्लीज। रेड कह रहे हैं ये, रेड हमदा भी रेड कह रहे हैं, सब लोग रेड कह रहे हैं, कोई जो, कोई है जो येलो कह रहा हो, मोहम्मद असदुल्ला येलो, जी असदुल्ला क्यों येलो, रीजन बताएंगे। रेड चूज करेंगे क्योंकि रेड जो है ना, जब चूज कर लेंगे तो देखें इन दोनों में से सिर्फ इसमें रेड है, तो यहां से सिर्फ रेड का ऑप्शन निकलेगा, यहां से तीनों रहेंगे। लेकिन अगर आप येलो कलर चूज कर लेंगे तो येलो कलर इन दोनों में से एक एक ऑप्शन निकाल लेगा, जो कि गलत है। हमने क्या पढ़ा था, उसको पिक कीजिए जो बाकी लोगों से कम ऑप्शन निकाले, तो इस वक्त रेड कलर बेस्ट है। क्यों, क्योंकि रेड कलर अगर निकाल दूंगा तो यहां से सिर्फ रेड निकलेगा, वहां से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर येलो चूज कर लूं तो येलो इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा, इन दोनों के पास सिर्फ दो दो कलर बचेंगे। इज इट क्लियर। आपने उसे चूज करना होता है, उसे चूज करना होता है कि जिसके पास जो दूसरे लोगों से कम वैल्यू निकाले, ठीक है। ये देखें, एलिमिनेट्स फ्यूस्ट वैल्यू फ्रॉम द नेबरिंग डोमेन। चले आगे बढ़ते, मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं बोर्ड पे। वो एग्जाम्पल है एन क्वीन पजल प्रॉब्लम की, फोर क्वीन के लिए, फोर क्वीन के लिए एन क्वीन पजल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है फॉरवर्ड चेकिंग, उसके जरिए आप अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे इसको सही से डिस्प्ले करने की। ये बोर्ड मैंने सेट कर लिया है, ये देखिएगा, फर्ज करिए आपके पास एन क्वीन पजल प्रॉब्लम है, फोर क्वीन पे काम कर रहे हैं हम लोग। ये एक 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 4x4 के मैट्रिक्स में इंडेक्स को ऐसे नंबर असाइन कर देते हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, 1 2 3 4, विदाउट एनी ह्यूरिस्टिक, विदाउट एनी ह्यूरिस्टिक हम इसकी वैल्यूज को फिल आउट करने की कोशिश करेंगे, विदाउट एनी ह्यूरिस्टिक हम इसकी वैल्यूज को फिल आउट करने की कोशिश करेंगे। लॉजिक ये लगा रहे हैं हम कि पहले ए रॉ के अंदर फिल करेंगे, फिर बी के अंदर, फिर सी के अंदर, फिर डी के अंदर, रॉ वाइज फिलिंग करेंगे, ठीक है। मतलब वेरिएबल जो है पहले ए का फिल होगा। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले ए के पास कितने ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे सर चार ऑप्शन है, सही है ना। अगर मैं ए का आपसे पूछूं, ए का, तो आप बोलेंगे सर ए के पास ऑप्शन है 1 2 3 4, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, ए के पास चार ऑप्शन है। तो देखिए, मैं सबसे पहला ऑप्शन चूज कर रहा हूं 1, सबसे पहला ऑप्शन चूज कर रहा हूं 1, ए बी सी डी, गौर से देखिएगा 1 2 3 4, और जो क्वीन मैंने प्लेस की उसका नंबर भी 1 है। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि ए को 1 में प्लेस करने से बी के पास से कौन कौन से ऑप्शन खत्म हो गए, ए को 1 में प्लेस करने से बी के पास से कौन कौन से ऑप्शन खत्म हो गए। ये फोर क्वीन पजल प्रॉब्लम है, 1 और 2 खत्म हो गए,
इसका मतलब है इसके पास से वन और टू खत्म हो गए, सिर्फ थ्री और फोर बचा, ऐसे ही है? सब एग्री करते ना इस बात से? तो मुझे सी के भी बता दीजिए, सी के कौन कौन से ऑप्शन खत्म हुए? वन और थ्री, तो क्या बचा? टू एंड फोर। चलें जी, ये नंबर सबकी समझ में आ गए कि डी में से कितने ऑप्शंस खत्म हुए, बी में से और ए में से, सब में से जो भी था ये। अब हम फर्दर अगर बात करें तो बी के पास दो ऑप्शन है, थ्री और फोर, तो हम कहेंगे बी से भाई एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज पे जब हम पहुंचे तो हमने यहाँ पर बी पे सेकंड क्वीन मार्क कर लेंगे, एक एक डायग्राम और बना लेते हैं। यहाँ हमने एक क्वीन और बना दी, इसी डायग्राम को कंटिन्यू किया, इसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं। पूरा अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा मैनेज करेंगे हम लोग, ठीक है? और यहाँ पर मैंने क्या किया, वन, यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस, और यहाँ पर मैंने इसको टू पे प्लेस कर दिया, ए बी सी डी, वन टू थ्री फोर। अब ए और बी हो चुके हैं तो हम देखेंगे सी में से क्या ऑप्शन खत्म हुए। तो सी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि टू का डायगोनल ये रहा और एक ये रहा, तो इसका मतलब है अगर हम थ्री चूज करते हैं, अगर हम थ्री चूज करते हैं तो सी के पास कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं बचेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर हम यहां पर क्वीन को प्लेस कर देते हैं तो थ्री के पास से जो दो पॉसिबल ऑप्शन थे वो खत्म हो जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया, सबकी समझ में आ गया? तो अब हम करेंगे बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि हम एक स्टेप पीछे जाएंगे वापस और टू से कहेंगे, मतलब बी से कहेंगे, बी से कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है, तो हम ये कहेंगे हाँ भाई बी के पास एक और ऑप्शन है, थ्री पे तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, बी थ्री पे तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसको बी फोर में बना के देखते हैं। तो हमने यहां से एक और चाइल्ड बनाया, यहां मैं क्वेश्चन क्रॉस लगा रहा हूं, यहां मेरा क्रॉस है, यहां मेरा क्रॉस है, और यह ए बी सी डी वन टू थ्री फोर। अब हमने बी से बोला भाई तुम्हारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन था वहां बना दो, तो बी यहां बन गया। अब बी के यहां बनने से जो सी के पास से ऑप्शन खत्म हुए वो देख लेते हैं। तो बी के यहां बनने से सी के पास से जो ऑप्शन खत्म हुआ वो ये ऑप्शन खत्म हुआ, ये वाला और बस ये वाला, और डी के पास से ऑप्शन खत्म हुआ ये वाला। तो अगर हम सी और डी के रिमेनिंग ऑप्शन लिखे यहां पर तो आप मुझे बता सकते हैं सी के पास कितना ऑप्शन है इस वक्त, कौन सा ऑप्शन है? टू। और डी के पास कौन सा ऑप्शन है? थ्री। हम फर्दर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब हम सी की बारी है, ये हो चुका है, ये हो चुका है,
ये हो चुका है, तो हमने सी से बोला भाई तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम फेल हो जाओ। सी यहाँ फेल हो गया है, सी के यहाँ फेल होने से डी के पास से जो ऑप्शन खत्म हुआ ये हुआ, तो डी के पास अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है ये भी चीज सही नहीं है। ऐसे ही ना बैक ट्रैकिंग करते हैं, बैक ट्रैकिंग का मतलब ये एक स्टेप पीछे जाएंगे, जब एक स्टेप पीछे जाएंगे तो पीछे जाके पता चलेगा सी से पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, सी बोलेगा मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो सी एक स्टेप यहाँ पहुंच गया था। दोबारा देखिएगा, यहाँ पहुंचे सी से पूछा कोई ऑल्टरनेटिव है, सी ने बोला कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक स्टेप और पीछे गए, बी से पूछा कि बी तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है, उसने बोला बी में भी ऑल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन हम ट्राई कर चुके हैं। तो हम वापस आए और हमने ए से पूछा भाई तुम्हारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है, तो ए बोलेगा हाँ मेरे पास है, पहले मैंने 1 में फेल किया था, अब मैं 2 में फेल कर सकता हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम ए को बना लेते हैं, तो हमने यहां बनाया था, हमने यहां बना दिया, तो जैसे ही यहां बनाया तो बी में से जो ऑप्शन खत्म हुआ ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया, उसमें से ये हो गया और ये, सॉरी ठीक है, ये ऑप्शन सब में से खत्म हो गए, और इधर देखें तो ये ऑप्शन इधर से खत्म हुआ बस। तो अगर हम इसके रिमेनिंग लिखें तो बी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है 4, बी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है 4, सी के पास दो ऑप्शन है वो है 1 और 3, और डी के पास अभी 3 ऑप्शन है 1, 3, 4। अब हम कहेंगे बी से, वो बी बोलेगा भाई एक ही ऑप्शन है, तो बी बना देते हैं उस ऑप्शन पे, बी को बना देते हैं। अच्छा जी, ए यहाँ पर आ चुका है, बी यहाँ पर आ गया अपनी जगह पर, अब सी से पूछेंगे भाई तुम्हारे पास से यहाँ बी के बनाने से कौन सा ऑप्शन खत्म हुआ, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हुआ, और डी से पूछेंगे तुम्हारे पास से कौन सा ऑप्शन खत्म हुआ, वो कहेगा ये वाले ऑप्शन। तो अब सी के अगर रिमेनिंग लिखते हैं तो वो ओनली 1 है, और डी के रिमेनिंग लिखते हैं तो वो क्या है 1 और 3। अब अगेन जगह की कमी की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ सी को, तो सी का एक ऑप्शन था वो क्या हो गया यहाँ पर बना। अब सी के यहाँ बनाने से डी के पास से ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा ओनली 3। हमने फर्दर कंटिन्यू किया और डी के पास एक ही ऑप्शन था, वो ऑप्शन हमने बना लिया ए बी सी डी 1, 2, 3, 4। देखिए ना, ये 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आपको मिल गया, 4 क्वीन का। जगह की वजह से हमने किया, आजो कि हम 8x8 भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है और हमें कॉन्सेप्ट समझना है ना कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पीछे पड़ना है। तो ये कहलाती है फॉरवर्ड चेकिंग, बैक ट्रैकिंग के जरिए फॉरवर्ड चेकिंग करना, मतलब इसमें कोई हिस्ट्री नहीं लगाया, कोई लॉजिक नहीं लगाया कि भाई किसको चूज करना है, क्या वैल्यू असाइन करनी है, बस हमने सिंपल सी लॉजिक लगा दी थी कि हम इस रॉ के हिसाब से, तो हमारी प्रॉब्लम को हम अपनी मर्जी से भी सॉल्व कर सकते। ये सॉल्यूशन जो मैंने किया है 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम का है, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, शायद एक और सॉल्यूशन और भी है। अगर आप वापस जाएं और अब कहाँ से स्टार्ट करें, 3 से स्टार्ट करें एको, फिर वापस जाएं 4 से स्टार्ट करें, तो आप देख सकते हैं एक और सॉल्यूशन आपको और मिलेगा। ये 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम है, 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम के 92 पॉसिबल सॉल्यूशन है। 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन है, 92 पॉसिबल सॉल्यूशन मौजूद है, 92। ये तो 4 क्वीन है, छोटा सा स्पेस है, सही है, ये समझ में आई बात सारी, मैंने आपको समझाई है। ये कहलाता है 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम यूजिंग CS, सही है, मैं इसको रेस कर रहा हूं। चलिए वापस स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए फॉरवर्ड चेकिंग का आइडिया ये है जो मैंने अभी आपको दिया है ना, ये यही आइडिया है सिंपल सा, आपने इसको दूसरी एग्जांपल पे समझा है, हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं ताकि आप इसको भी कवर कर लें। आज का ये देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा फॉरवर्ड चेकिंग से आंसर आ जाएगा, इट डिपेंड्स। अभी हमने जो सिर्फ ली थी उससे हमारा आंसर आ गया, देखें अब ये क्या कर रहे हैं,
फॉरवर्ड चेकिंग में रैंडम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और जिनके उनके असाइन करने से जो फर्क पड़ रहा है वो देखें। इसका मतलब ये कि अभी सबके पास इनिशियली तीन तीन वैल्यूज मौजूद है, सही है ना, इनिशियली सबके पास तीन तीन वैल्यूज मौजूद है, शुरू में ऐसा ही हो रहा है, इनिशियली सबके पास तीन तीन वैल्यूज मौजूद है। ये देखिएगा, अब इन्होंने रैंडमली डब्ल्यू ए को रेड कलर असाइन कर दिया। जैसे ही इन्होंने डब्ल्यू ए को रेड कलर असाइन किया, जैसे ही इन्होंने डब्ल्यू ए को रेड कलर असाइन किया, तो डब्ल्यू ए के नेबर्स में से रेड निकल गया, जैसे अभी हम कर रहे थे काम, बिल्कुल वैसा ही है, डब्ल्यू ए के नेबर्स में से रेड कलर निकल गया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इन्होंने देखिए नेबर्स कौन कौन से थे, एन टी और एस ए, तो दोनों में से रेड कलर निकल गया। फिर इन्होंने रैंडमली असाइन किया कलर किसको, एस सॉरी क्विंसलैंड को ग्रीन कलर, तो क्विंसलैंड के नेबर तीन है, उन तीनों में से क्या निकल गया, देखें ग्रीन कलर, यहां से भी ग्रीन निकल गया, यहां से भी ग्रीन निकल गया, यहां से भी ग्रीन निकल गया। तो फॉरवर्ड चेकिंग क्या है कि भाई हो सकता है आप कहीं जाके फंस जाए, देखें जैसे आपने इसको ब्लू कलर असाइन किया, इसको इसको ब्लू कलर असाइन किया विक्टोरिया को, ये देखें जैसे आपने ब्लू कलर असाइन किया तो इसके नेबर्स में जो ऑप्शन था एक ब्लू वो भी निकल गया, समझ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड चेकिंग से हमेशा आपको आपका आंसर मिले, लेकिन फॉरवर्ड चेकिंग कैन हेल्प डेफिनेटली, अभी हमने एग्जांपल देखी भी, ठीक है, जो राइट कॉम्बिनेशन है ना अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो फायदा होगा, वरना नहीं, वो आपको नहीं पता राइट कॉम्बिनेशन कैसे आएंगे, सही है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड चेकिंग प्लस आर्क कंसिस्टेंसी, फॉरवर्ड चेकिंग प्लस आर्क कंसिस्टेंसी या कंस्ट्रेंट प्रोपगेशन, आर्क कंसिस्टेंसी या कंस्ट्रेंट प्रोपगेशन एक ही वर्ड है, आर्क कंसिस्टेंसी ये बेसिकली ये एक ही वर्ड है। ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये दो तीन एग्जाम्पल से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि भाई आर्क अगर दो आर्क कंसिस्टेंट होंगे या नहीं होंगे तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर जो है अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत सारी एग्जाम्पल हैं हमारे पास। सपोज कीजिए कि हमें ये ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ यहां से गिवन, मतलब आर्क कंसिस्टेंसी कब लगता है, आर्क कंसिस्टेंसी लगता है फॉरवर्ड चेकिंग के साथ, मतलब आप फॉरवर्ड चेकिंग में कुछ वैल्यूज रैंडम असाइन कर दें, फॉरवर्ड चेकिंग में कुछ वैल्यूज रैंडम असाइन कर दें और उसके बाद उस जगह पे आर्क कंसिस्टेंसी लगा लें। तो पहले तो आपको आर्क कंसिस्टेंसी समझना है कि वो क्या चीज है, जब वो समझ में आ जाएगा आपके तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें तवज्जो चाहिए होगी क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिएगा जरा, बेसिकली दो नोड्स को आपस में चेक करना होता है क्या ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि इस वक्त इसमें जो वैल्यूज हैं वो कंडीशन को वायलेट तो नहीं कर रही, मतलब क्या ही देखिए। मैंने सबसे पहले एक ग्रुप उठाया V1 और V2 का, मैं आपको V1 V3 से समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने सबसे पहले ग्रुप उठाया V1 V3 का, ठीक V3, मैंने दो ग्रुप उठा लिए। आर्क कंसिस्टेंसी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट आर्क कंसिस्टेंसी के लिए वो क्या है वो देखिएगा कि V1 की हर वैल्यू, अगर आप V1 को V3 के साथ चेक कर रहे हैं, अगर आप V1 को V3 के साथ चेक कर रहे हैं तो V1 की हर वैल्यू के लिए V V2, अगर आप V1 और V3, V1 और V3 है, ठीक है, अगर आप दो आर्क को आपस में ये चेक कर रहे हैं कि वो कंसिस्टेंट है तो जिसके रेफरेंस से चेक कर रहे हैं उसको पिक कर लिया, फर्स्ट से V1, आप ये चेक करेंगे कि V1 की हर वैल्यू के लिए क्या V3 में कोई ऐसा बंदा मौजूद है, V1 की हर वैल्यू के लिए क्या V3 में ऐसा कोई बंदा मौजूद है जिससे कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब क्या ये देखें।
सबसे पहले मैंने उठाया बी वन में क्या है आर, तो कौन से सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा रिपीट करेंगे। बी वन में क्या आर, बी थ्री में क्या जी। हमारी मैप कलरिंग प्रॉब्लम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी मैप कलरिंग प्रॉब्लम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी मैप कलरिंग प्रॉब्लम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कलर एडजेसेंट स्टेट्स में कलर सेम ना। तो बताइए आर और जी अलग अलग हैं, आर और जी अलग अलग हैं, इसका मतलब है वी वन की आर के लिए वी थ्री में एक बंदा मौजूद है जो उससे अलग है, इसका मतलब है आर अपने टेस्ट पास कर गया। अब वी वन में से दूसरा बंदा उठाइए जी, क्या वी थ्री में कोई ऐसा बंदा मौजूद है, क्या वी थ्री में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो जी से अलग हो, नहीं है मौजूद। अभी ना आप थोड़ा एग्जाम्पल कंप्लीट होने दीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। अब वी वन ने एक और बंदा उठाया वो है बी, वी थ्री में एक ही बंदा है जी, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये दोनों अलग अलग है या सेम है। अब देखिए अगर यहां पर भी ट्रू होता तो मैं कह देता वी वन और वी थ्री आपस में क्या आर कंसिस्टेंट, अगर यहां पर भी ट्रू होता तो मैं कह देता वी वन और वी थ्री आपस में क्या आर कंसिस्टेंट, वी वन और वी थ्री आपस में क्या है आर कंसिस्टेंट। ये चीज इस पे समझ में आएगी आपके कि आर कंसिस्टेंट है। देखिए मैंने उठाया वी वन और मैंने यहां से उठाया वी टू, ये देखिएगा वी वन, वी वन में से आर उठाया, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्या वी टू में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो आर से कंडीशन को ट्रू कर रहा हो, कोई एक भी है। नबील सुन लीजिए गौर से पहले फिर जवाब दीजिएगा, बी वन में से आर उठाया, बी टू में दो लोग लिखे हैं आर और जी, क्या कोई एक भी ऐसा है जो कंडीशन ट्रू कर रहा हो, कौन है वो जी, किससे ट्रू हो रही है कंडीशन, जी से हो रही है। अब बी वन से दोबारा उठाए जी और बी टू के दोनों मेंबर में से चेक कीजिए कोई एक भी है जो जी से अलग हो, कोई एक भी है जो जी से अलग हो तो डेफिनेटली आपके पास आर मौजूद है, ठीक है। अब एक और उठाइए वी वन में से, वी वन में से क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि वी वन से चेक कर रहा हूं, तो वी वन में क्या है बी, तो बताइए वी टू में कोई एक भी बंदा है जो बी से अलग हो, हमें एक चाहिए, अगर बहुत सारे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर हमें एक भी मिल जाए ना तो कहते हैं कि भाई कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। तो देखिए वी वन और वी टू आपस में क्या है आर कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इन वी वन वी हैव सम वैल्यू इन वी टू जो उस पर कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए वी वन और वी टू आपस में क्या है आर कंसिस्टेंट है। ये पॉइंट समझ में आया, ये आर कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वी वन की हर वैल्यू के लिए बंदा मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर बी वन और बी टू में आर कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर नहीं। अब पॉइंट समझ लेते हैं कि ये पढ़ा क्या रहा हूं, ये तो समझ में आ गया आर कंसिस्टेंट, तो हाँ हर वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू। मैं आपको तीन एग्जांपल करवाऊंगा तो आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। अभी आप बहुत आप ये समझ लें, अभी आपने 10% सुनी है मेरी बात, तो वी वन वी थ्री वी वन वी टू, तो ये तो आर कंसिस्टेंट हो गया, ये आर कंसिस्टेंट नहीं है। ये कहते हैं कि अगर आर कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कोई एक वैल्यू डिलीट करके उसको आर कंसिस्टेंट बना सकते हैं अगर ट्रू हो रहा है। तो देखिए अगर मैं इस वैल्यू को जी को इसमें से डिलीट कर दूं, अगर यहां से जी को डिलीट कर दूं तो वी वन और वी थ्री आपस में आर कंसिस्टेंट हो रहे हैं, अगर यहां से जी डिलीट हो जाए तो क्या वी वन और वी थ्री आपस में आर कंसिस्टेंट हो रहे हैं ना। बस यही लॉजिक है कि आप डायरेक्ट ना वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं जहां पर आपको लग रहा हो कि यार कंसिस्टेंट नहीं है, तो इससे आपका सॉल्यूशन आ सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, ये देखें, ये देखिए सबसे पहले मैंने वी वन वी टू को एग्जामिन किया, पूरी ये लॉजिक लगाई जो मैं आपको समझाया था, वी वन और वी टू आपस में आर कंसिस्टेंट थे, कोई वैल्यू डिलीट नहीं, सही है, सही है। अभी हमने करके भी देखा वी वन वी टू, अब हमने चेक किया वी वन वी थ्री, जैसे हमने वी वन वी थ्री को चेक किया तो वी वन वी थ्री के अंदर पूरा चेक किया तो ये जी प्रॉब्लम कर रहा था। अब अगर जी को यहां से डिलीट करता तो बी थ्री के बाद से सारे ऑप्शन खत्म हो जाते, तो जी को कहां से डिलीट किया, मैंने यहां से डिलीट कर दिया। तो ये देखें इस स्टेप पर पहुंच के बी वन में से क्या निकल गया, जी निकल गया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब मैं किसका किसके बाद पेयर चेक करूं आर कंसिस्टेंसी का, बी टू और
हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए आरिफ, हमें सॉल्यूशन चाहिए। अब मुझे बताइए V2 और V3 आपस में कंसिस्टेंट है, आपको इतना एक्सपर्ट होना है कि आप देख के बता सके हर दफा कैलकुलेशन ना करें। तो V2 और V3 आपस में क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए R तो यहाँ मौजूद है G, लेकिन G के लिए कोई मौजूद नहीं है। इसका मतलब है अगर यहाँ से G निकाल दें तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कंसिस्टेंट। ये देखें मैंने V2 V3 को एग्जामिन किया, जब एग्जामिन किया तो पता चला भाई अगर यहाँ से G डिलीट हो जाए तो V2 और V3 आपस में क्या हो जाएंगे, R कंसिस्टेंट। ये देख रहे आप। अब बताइए किसका पेयर चेक करना चाहिए, V1 V2 का वंडरफुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में R कंसिस्टेंट नहीं है, अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये R जो है यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। डेफिनेटली डिलीट वहां से करेंगे जहां पर एक से ज्यादा हो, उसमें से डिलीट नहीं करेंगे जहां जिसके बाद ऑप्शन ही एक बचा हुआ। सॉल्यूशन आ गया आपके पास, तमाम लोगों में अलग अलग आ गया, तमाम में अलग अलग आ गया आंसर। ये देखिए एक चीज और देख लें, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, लेकिन ये देखें जो हमारी स्लाइड में मौजूद है वो भी देख लें। ये देखें इन्होंने यहाँ पर इन दोनों को चेक किया, R कंसिस्टेंट, ये दोनों R कंसिस्टेंट नहीं है। इन दोनों को भी चेक किया क्योंकि ये नेबर्स हैं, यहाँ पर ब्लू मसला कर रहा है, यहाँ ब्लू मसला कर रहा है, यहाँ से ब्लू डिलीट कर दिया है। देखें इज इट क्लियर, आपकी मर्जी है कोई से भी दो पेयर बना ले आप, ये भी जरूरी नहीं है कि हर दफा कुछ ना कुछ डिलीट हो। ये देखें अब इन दोनों का पेयर बनाया इन्होंने, यहाँ पर रेड डिलीट हो गया। देखें इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का, ये देखें इसमें क्या डिलीट हो गया, रेड डिलीट हो गया, देख रहे हैं इसमें से क्या डिलीट हो गया, रेड डिलीट हो गया। अब जब इन दोनों का पेयर बनाया तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू था, यहाँ पर भी वैल्यू था। तो ये जरूरी नहीं है कि आर कंसिस्टेंसी हमेशा आपको आंसर दे, लेकिन उससे आपके आंसर में आपको हेल्प मिल सकती है। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है आप आर कंसिस्टेंसी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक जगह जाके फंस गए, जैसे अभी हम फंस गए देखे स्लाइड में एग्जाम्पल, क्लियर हो गई बात। हो सकता है आपका सिस्टम टोटल आर कंसिस्टेंट हो लेकिन फिर भी आपको आंसर ना मिले, सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देके जा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखें ये आपस में आर कंसिस्टेंट है, सारे सारे आर आपस में कंसिस्टेंट है, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं, इस वक्त आर कंसिस्टेंसी से कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं। इन दोनों को आपस में देखें आर कंसिस्टेंट है इनका, आर और जी, यहाँ आर के लिए जी मौजूद है या जी के लिए आर मौजूद है, यहाँ पर आर के लिए जी मौजूद है, जी के लिए आर, यहाँ पर आर के लिए जी, जी के लिए आर। लेकिन आप डिलीट किसे करेंगे, आपको तो डिलीट करने के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। देखें आपस में आर कंसिस्टेंट है फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तो इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं है कि आर कंसिस्टेंसी का आंसर है। समटाइम्स हो सकता है आंसर ना हो, समटाइम्स आपके पास दो आंसर होते हैं, यहाँ पर दो आंसर मौजूद है, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आर कंसिस्टेंट है तो आंसर नहीं आएगा, आर कंसिस्टेंट है तो आंसर आएगा, डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा ब्रेक के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ये ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए CSP में आर कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ब्रेक के बाद मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा आर कंसिस्टेंसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा कि जहां से हमने इसको छोड़ा है। एक दो एग्जांपल और करवानी है मुझे, तो पहले आपको आर कंसिस्टेंसी डिटेल में दोबारा से समझानी है, ताकि आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वहां से हम खत्म करें, फिर एक कंप्लीट एग्जांपल कर दूंगा। ठीक है, कोई भी सवाल हो तो ब्रेक के फौरन बाद पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, मोहतशिम और इस्माइल, मोहतशिम को मैं तो चेक करता हूँ, ठीक है। इस्माइल आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर दें जो आपकी प्रॉब्लम है, हमें कौन से कोई इसके मार्क्स नबील